नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। देखिए आज की देश और दुनिया की पांच बड़ी और चर्चित खबरें। पहली खबर, CAA राम मंदिर आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक, PM मोदी ने पेश किया पहले साल का रिपोर्ट कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के नाम चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने, ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने और नागरिकता अधिनियम में संशोधन को अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश किया। भारत को वैश्विक नेता बनाने के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से पिछले एक साल में उनकी सरकार ने ये फैसले किए लिए। अगली खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब तक 80 लोगों की मौत, रेलवे ने जारी किया डेटा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या सभी सरकारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी रही है। खासकर उन्हें घर पहुंचाने को लेकर अब तक की काफ़ी मशक्कत देखने को मिली। राज्य सरकार ने बस की व्यवस्था तो की, बॉर्डर के अंदर घुसने को लेकर परेशानी हुई और अगर मजदूर ने पैदल जाने की कोशिश की तो कानून व्यवस्था तो खराब हुई ही, साथ में उनकी जान भी जोखिम में रही। आखिरकार केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर इन मजदूरों के घर जाने की व्यवस्था की, लेकिन लगभग 20 दिनों के ट्रेन यात्रा के दौरान 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है, वहीं 11 अन्य लोगों की मौत पहले से ग्रसित किसी अन्य बीमारी से हुई है। अगली खबर, लॉकडाउन 5 के समर्थन में है ये राज्य, कहा छूट देने पर बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन 4 की मियाद रविवार यानी 31 मई को ख़त्म हो रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 5 में कुछ हद तक और छूट मिल सकती है। इसी बीच खबर है कि दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। हालांकि उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी लॉकडाउन में ढील देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी के तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल विज ने कहा कि अधिक छूट देने से कोरोना के मामले में इजाफा हो सकता है। विज ने कहा कि ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। अगली खबर, मुंबई पर पड़ सकती है दोहरी मार, कोरोना के बाद अब यहां भारी बारिश की आशंका। कोरोना वायरस से संक्रमण से परेशान मुंबई पर अब दोहरी मार पड़ सकती है। अगले हफ्ते मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ये मानसून से पहले की बारिश होगी। आमतौर पर मुंबई में जून के दूसरे हफ्ते मानसून दस्तक देती है। पिछले कुछ दिनों विपक्ष में कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुंबई में इस बार कोरोना के चलते बारिश से पहले की तैयारियां नहीं हुई है। बता दें कि मुंबई में कई बार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अगली खबर, सरकार कोरोना से 4 कदम आगे है, केजरीवाल। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन हम इसे स्वीकारते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चिंता की बात है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सरकार कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।